पुणे में जिस नाबालिग ने पोर्श कार से बाइक सवार दो आईटी इंजीनियरों को रौंद दिया था उसे कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन इस मामले में उसके पिता को अरेस्ट किया गया है। अब सामने आया है कि इस एक्सीडेंट से पहले आरोपी अपने दोस्तों के साथ शहर के दो फेमस पब में गया था। उसने पहले पब में केवल 90 मिनट में 48,000 रुपए खर्च किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि आरोपी शनिवार की रात 10:40 पर पब में गया था। देर रात जब पब बंद हो गया, पब स्टाफ ने सर्विस देने से मना कर दिया, तो 12:10 पर आरोपी अपने दोस्तों के साथ बाहर आया। इस दौरान केवल 90 मिनट में उसने 48,000 रुपए का बिल भुगतान किया। पब मालिक ने बताया कि आरोपी नाबालिग लड़के और उसके दोस्तों ने 48,000 रुपए की शराब और स्नैक्स खाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले वाले क्लब से निकलने के बाद वो एक दूसरे पब में गया। एसीपी मनोज पाटिल ने बताया कि नाबालिग कार चलाने से पहले अपने दोस्तों के साथ पब गया था और शराब पी थी। हमारे पास आरोपी के दोस्तों के साथ शराब पीने के पर्याप्त सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। ब्लड रिपोर्ट्स आने का इंतजार है। अब तक के सबूतों के आधार पर 17 साल के आरोपी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 यानी शराब पीकर गाड़ी चलाना लगाई गई है। इससे पहले सामने आया था कि जिस पोर्श गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि 1758 रुपए की फीस का भुगतान न करने की वजह से कार का रजिस्ट्रेशन मार्च से पेंडिंग था। अधिकारियों का कहना है कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक कार के पास मार्च से सितंबर 2024 तक 6 महीने की वैलिडिटी के साथ कर्नाटक द्वारा जारी किए गए वैलिड टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में पोर्श डीलर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने अस्थायी पंजीकरण करने के बाद कार सौंप दी थी, इसलिए ये मालिक की जिम्मेदारी थी कि वे उसे सड़कों पर चलाने से पहले आरटीओ में रजिस्टर कराएं। दिलचस्प बात यह है कि टेम्पररी सर्टिफिकेट यानी अस्थायी पंजीकरण के साथ वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ आरटीओ तक जाने आने के लिए किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि जो नाबालिग लड़का कार चला रहा था उस पर 25 साल की उम्र तक ड्राइवरी लाइसेंस हासिल नहीं करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं लग्जरी कार को 12 महीने तक किसी भी आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।